होगा तो भी नहीं बताऊंगा। हाउ मी क्यू लड़का और अच्छा लड़का पागल हो जाएगा, तुम्हारी कंपनी में रहेगा, अच्छी खासी जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी। लेकिन हाँ, अगर साकेत जैसा हुआ तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए शैतान चाहिए। ओके, मुझे ना आज तो कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे हैंडल कर सके। मैं उसे फोन करा था, बोलो मेरा फोन क्यों? देखा देखो एक अच्छा सा रोमांटिक सा मैसेज आया। ओहो मेरी एक फ्रेंड आ रही है। वो क्या है ना, लड़का पागल हो जाएगा तुम्हारी कंपनी में रहकर, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ, साकेत जैसा हुआ तो जरूर बताऊंगा। वो क्या है ना कि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई शैतान, लड़का पागल हो जाएगा तुम्हारी कंपनी में रहकर, जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी। लेकिन हाँ, अगर साकेत जैसा मिला तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई शैतान ही चाहिए, बदमाश चाहिए। और क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश चाहिए। क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ही होना चाहिए। बदमाश? हाँ, अगर साकेत जैसा मिला तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ऐसा ही होना चाहिए। क्यों अटक गया? क्योंकि तुम्हारे साथ रह के कोई भी लड़का पागल हो सकता है, तुम्हारे साथ रह के कोई भी लड़का पागल हो सकता है, किसी की बुद्धि खराब हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे साथ रह के होगा तो भी नहीं बताऊंगा। हाउ मी क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ रहेगा किसी की भी लाइफ खराब हो सकती है, पागल हो जाएगा लड़का। लेकिन हाँ, अगर साकेत जैसा हुआ तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है यार, कोई नहीं है। पर हाँ, तुम्हारी नजर में ऐसा कोई हो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो तो मुझे जरूर बताओ। होगा तो भी नहीं बताऊंगा। हाउ मीन क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर कोई भी लड़का पागल हो सकता है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, अगर साकेत जैसा मिला तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ही चाहिए। अभी चलो मैं। जी नहीं, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो साक्षी को ठीक कर सके। खैर वो सब छोड़ो, मुझे अपना फोन दो ना। मेरा फोन क्यों? देविका दी को एक रोमांटिक सा मैसेज टाइप करके भेजो। अरे यार मेरी फ्रेंड आ रही है और मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल डेड है और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरी फ्रेंड का नंबर गलत हाथों में चला गया और गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो? नहीं नहीं बाबा, मैं वो रिस्क लूंगी नहीं। और तुम तो शरीफ हो, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो तुम करो। मुझ पर इतना भरोसा क्यों? लो फोन नहीं। और मुझ पर इतना भरोसा क्यों? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे दिल क्या रेडी। और मुझ पर इतना भरोसा क्यों? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल किसी और, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल ऑलरेडी किसी के लिए धड़कता है, और जब कोई सच्चे प्यार में होता है ना तो वो फ्लर्ट वर्ट करना छोड़ देता है। अच्छा सुनो, मैं मैसेज टाइप कर देती हूँ। क्यों क्यों? देविका दी और जीजू को साथ में डांस करते देखकर अच्छा नहीं लगा होगा ना? बहुत बुरा लगा होगा इनफैक्ट, राइट? देखो मुझसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो मुझसे क्यों बोलेगा? इनफैक्ट एक्शन, इनफैक्ट बहुत बुरा लगा होगा, राइट? एक बार और ले तो, करते देखकर अच्छा नहीं लगा होगा ना? इनफैक्ट बहुत बुरा लगा होगा, है ना? देखो अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वो क्या है ना, मैंने देविका दी के भी एक्सप्रेशन नोटिस किए थे, वो तो बहुत जेलस फील कर रही थी तुम्हें किसी और लड़की के साथ डांस करते हुए देखकर। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, मुझे पता है। अब तुम्हारे इस व्हाट
खतरा लग रहा था तो मुझे पक्का पता है। अब तुम्हारे इस वॉट वाले रिएक्शन का क्या मतलब समझूंगी? तुम्हें अच्छा लगा कि वो जेलस हो रही थी या अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, वही तो प्रॉब्लम है। ऐसे तुम्हारे जैसा कोई मिले तो मुझे जरूर। क्यों भाई, तो प्रॉब्लम है नहीं है, पर अगर तुम्हारे जैसा कोई दिखे तुम्हें पर तुम्हारी नजरों में तुम्हारे जैसा पर तुम्हारी नजरों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा कोई हो तो जरूर बताना। हाउ मीन, क्यों? पागल हो जाएगा बेचारा। लेकिन हाँ, संकेत जैसा मिला तो जरूर बताऊंगा। तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ही चाहिए। ओ हेलो, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो साक्षी को हैंडल कर सके। ओ हेलो, संकेत जैसा हुआ डेफिनेटली हल चलिए, क्योंकि तुम्हें हैंडल करने के लिए कोई बदमाश ही चाहिए। ओ हेलो, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो साक्षी को हैंडल कर सके। एनीवे, वो सब छोड़ो, मुझे अपना फोन देना। दीपिका जी, कोई एक रोमांटिक सा मैसेज टाइप करके सेंड करना। ओहो, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, उससे मुझे पूछना है कि वो कहाँ पहुँच रही है। देविका जी, ऐसा मैसेज टाइप करके सेंड करना कि बाबा मेरी फ्रेंड आ रही है, देखो ना, एक रोमांटिक सा मैसेज टाइप करके भेजना है तुम्हारे फोन से। अब के बाबा मेरी फ्रेंड आ रही है, उससे पूछना है कि वो कहाँ पहुँची है। अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, उसका नंबर किसी गलत हाथ में चला गया तो मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। एक्शन। अरे बाबा, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, उसे फोन करके पूछना था कि वो कहाँ पहुंची है। मेरी फोन की बैटरी डेड है और मैं किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। उसका नंबर किसी गलत हाथों में चला गया, किसी ने उसके नंबर का गलत इस्तेमाल किया तो ना बाबा ना। इस मामले में तुम बहुत शरीफ हो, तुमसे किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट? लास्ट, लो, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है, और जब कोई प्यार में होता है, सच्ची मोहब्बत में, तो वन मोर टाइम, लो, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है, और जब कोई सच्ची मोहब्बत में होता है ना, तो फ्लर्ट श्लर्ट करना छोड़ देता है। एक सेकंड ना, बस मैसेज टाइप। Thank you.